चैनल्स में हूँ सुता, और मेरे चैनल सुता डायमंड में आप लोग का स्वागत है। तो मैं आप लोग के साथ आज मेकअप वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि गर्मी में आप मेकअप किस तरीके से करें और क्या करें कि जिससे पसीना न आए। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेकअप तो कर लेते हैं, लेकिन मेकअप करने के बाद बहुत सारा पसीना आता है, तो उसको वो न आए उसके लिए क्या करें, किस तरह से मेकअप करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने ये मेकअप कैसे किया हुआ है और किस तरीके से करना चाहिए जिससे पसीना आपके चेहरे पे ना आए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ सबसे पहले अपने चेहरे को क्लीन कर लूँगी फेस वाश से धुलकर, और फिर इसके बाद हम अपने चेहरे पर आईज से हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे, और जिससे हमारे चेहरे के पोर्स बंद हो जाए और मेकअप के बाद हमें पसीने ना निकले। सबसे पहले मैं अपने चेहरे पर लगाऊंगी गुड वाइब्स का रोज टोनर। इसे अपने चेहरे पर लगाकर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेना है। सेकेंड है मॉइस्चराइजर गुड वाइब्स का, मैंने रोज हिप का मॉइस्चराइजर लिया हुआ है, इसे भी हम अपने चेहरे पर लगा लेंगे। इसे हल्के हाथों से ब्लेंड करके अपने चेहरे पर हम लगा लेंगे, जिससे हमारा मेकअप शाइनी और स्मूथ रहे। थर्ड है प्राइमर। प्राइमर की जगह पर मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। आप लोग के पास अगर प्राइमर है किसी भी कंपनी का तो आप लोग लगा सकते हैं। इससे हमारे चेहरे के पोर्स बंद हो जाते हैं और हमारा मेकअप बहुत देर तक टिका रहता है। इसके बाद हम लगाएंगे पॉन्स बेबी क्रीम। आज हम पॉन्स बेबी क्रीम से ही अपना मेकअप करेंगे और एक सिंपल सा मेकअप करेंगे। इसे भी हम डैब डैब करके अपने चेहरे पर लगा लेंगे और इसे पूरे चेहरे पर फैला लेंगे। इसे हल्के हाथों से लगाना है, रगड़ के बिल्कुल नहीं लगाना है। रगड़ने से हमारे जो स्किन है वो धब्बे धब्बे सी लगेगी, इसलिए हमें इसे हल्के हाथों से अपने चेहरे पर फैला लेना है। ये देखिए, मैंने हल्के हाथों से इसे अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने ब्लैक लिप लाइनर लिया हुआ है। आप चाहे तो किसी भी काजल से आप आई शेडो लगा सकते हैं। तो मैं इसे हल्के हाथों से अपने आँखों के ऊपर लगाकर इसे हल्के हाथों से ब्लेंड कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं कि ब्लैक कलर पूरा उभर के आ रहा है। तो इसी तरह से हम दोनों आँखों पर लगा लेंगे और इसको हल्के हाथों से ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद मैं ब्लैक कलर का आई शेडो लूँगी, ये मिस गोल्ड का है। आप किसी भी कंपनी का आई शेडो पैलेट यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें से ब्लैक कलर लूँगी और इसको भी आँखों पे लगाकर हल्के हाथों से ब्लेंड करूँगी। इसके बाद मैं इसमें से मैरून कलर लूँगी और
आँखों के ऊपर इसको भी लगा लूँगी, ऊपर की साइड इसको भी ब्लेंड कर लेंगे। इसी तरह से हम दोनों आँखों में मैंने लगा लिया है। इसके बाद हम लगाएंगे आईलाइनर। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगी मस्कारा। अपने हाथों से हल्के हल्के ऊपर की पलक पे और नीचे की पलक पे हम मस्कारा लगाएंगे। दोनों आँखों में हम इसी तरह लगा लेंगे। इसके बाद हमने आईब्रो सेट किया है, इसको आईब्रो पेंसिल से सेट करेंगे और एक ब्रश की हेल्प से इसको सेट कर लेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरी दोनों आईब्रो सेट हो चुकी है। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर। तो अपनी नोज पे और चीक पे सब जगह जहाँ भी हमें हाइलाइटर की ज़रूरत है वहाँ वहाँ हाइलाइटर लगा लेंगे। इसके बाद मैं लगाऊंगी ब्लशर। तो मैंने पिंक कलर का ब्लशर लिया हुआ है, आप कोई सा भी ब्लशर लगा सकते हैं। मैं इसको भी हल्के हाथों से बहुत हल्का हल्का पिंक की शेड दूंगी, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लगाऊंगी। अब यहाँ पर बारी आती है लिपस्टिक की। तो ये आखिरी है, इसके बाद हमारा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा लिपस्टिक लगाने के बाद। तो लिप लाइनर लगा के ही आप लिपस्टिक लगाएं तो इससे इसकी शेप बनी रहती है, लिपस्टिक इधर उधर नहीं निकलती। मैं हमेशा से ही लिप लाइनर का यूज़ करती हूँ, इसके बाद लिपस्टिक लगाती हूँ। इस तरीके से आप लिपस्टिक लगाएं। अगर ये आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।